क्या कर रहा भाई? क्या कर रहा है? मतलब हर बार सवाल पूछते हैं, आज सवाल नहीं पूछेंगे, आज ये टप्पा खिलाएंगे। देख, दो दो चीज़ कर सकते हैं। एक तो वन टिप वन हैंड क्रिकेट खेल लेते हैं यहाँ पे, दूसरा वो ऐसे टप्पा टप्पा चलाते ना, वो ऐसे जिसके ज़्यादा टप्पे खाएगी वो जीत गया, दूसरा लखाना बनाएगा, पहला वाला मैच देखेगा। बात तो सही, वही करते हैं। मैं भाई छोटा था ना, मैं करता था ऐसे बहुत, मैं जीत जाऊँगा। कर, रेडी है? बोल भाई, कर कर पहले तू कर। हाँ देख, गिन। चल 60 बहुत है, 60 में तेरा बैंड बज जाएगा। रेडी? 60। ये पकड़। रेडी? दूं मैं ये? थोड़ा बॉल मैंने चेंज कर दिया, ये वाले बॉल से करना पड़ेगा। ये क्या लॉजिक हुआ भाई? मेरी मर्जी भाई, मैंने डिसाइड किया ना। ऐसे ले ले भाई तू, मैं बना देता हूँ खाना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, किसने डिसाइड किया कि फैसला कैसे हो गया आज खाना कौन बनाएगा? मैंने डिसाइड किया ना, तो मैं डिसाइड करूंगा कैसे कौन सी बॉल मिलती है। ये लो। आठ आठ आठ, मेरी गलती थोड़ी ना है, तुमने चूज किया। खेलो टिप 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 टिप। ओके भाई, अच्छा था बनाना कुछ भाई, नहीं है तुम। ओह ही हिट दिस क्लीन एंड ही हिट इट वेरी क्लीन, इट्स अ सिक्स, अ फ्लैट वन डाउन द ग्राउंड एंड ही इज ओनली जस्ट कम टू द क्रीज। हेलो जी। तो जी, जब मैं अमेरिका में था ना, अमेरिका में आई एम एन एनबीए फ्रीक। मतलब कोई भी एनबीए गेम होता था तो पहले तो मैं ये ढूंढता था कि कौन से दोस्त के पास टिकट है, ठीक है, फिर उस दोस्त को फ़ोन जाता था। और अगर मान लीजिए किसी दोस्त के पास टिकट नहीं है, तो फिर सारे दोस्तों के पास फ़ोन जाता था कि चलो घर आ जाओ, साथ में मैच देखेंगे। बॉस्टन सेल्टिक्स विल ऑलवेज बी माई टीम। इस बार वो ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस से फाइनल्स में हार गए मायामी से। लेकिन जब घर पर बुलाता था ना मैं उनको, तब मैं घर पर एज अ स्टैंडर्ड देसी स्टाइल चिकन पॉपकॉर्न बनाता था, ठीक है जी। तो अब एनबीए नहीं है तो आईपीएल है, तो क्या हो? चिकन पॉपकॉर्न तो है ना। चिकन पॉपकॉर्न बनाने के लिए हमको चाहिए चिकन। तो पॉपकॉर्न बनाना है तो उसको पॉपकॉर्न की तरह छोटा छोटा काटना पड़ेगा ना, छोटा छोटा। चिकन ब्रेस्ट ले रहा हूं मैं, आप चाहें तो लेग भी ले सकते हैं। अब ये सारा का सारा चिकन लिया और इसको डाल दिया ये बट्ठल में। पंजाबी में इसको बट्ठल बोलते हैं जी, हिंदी में बोलते हैं तसला, गांव में है ना, चिरमची, तसला, बट्ठल। जिन्होंने ये नाम नहीं सुने, सुन लीजिए। और जी मसाले मार देते हैं इसमें, ठीक है। मिर्ची ठोक के, हल्दी थोड़ी सी, धनिया और एक चीट है रणवीर का चीट, थोड़ा सा हींग। अब गया सिरका। सिरका जो है इसको गलाने में काम आता है। तो दैट्स इट बेसिकली। तीन ब्रेस्ट, एक चम्मच सिरका, गुड इनफ। अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, थोड़ा सा धनिया डालता हूँ चॉप करके इसके अंदर ना। आप चाहें और देसी पना अगर आप करना चाहें तो थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं, मट्ठा भी डाल सकते हैं। कोई भी फ्राइड चिकन बना रहे, बटर मिल्क डालेंगे ना, बटर मिल्क डाल के उसको छोड़ेंगे कम से कम 20-25 मिनट, आउटस्टैंडिंग फ्लेवर। थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च, मैदा, सिर्फ मैरिनेशन स्टिक करे उसके लिए। फैंटास्टिक। अभी ये मेरे पास है कॉर्नफ्लेक्स, अब इन कॉर्नफ्लेक्स का बना देता हूं मैं चूरा। हेलो। अब अगर पॉपकॉर्न बोला है तो ये हर कोई नहीं डालता, कुछ लोग सिर्फ ब्रेड क्रम भी डालते हैं, लेकिन मुझे लगता है यार अगर पॉपकॉर्न 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 इतना शोर मचाया हुआ है तो थोड़ा तो कॉर्न उसके अंदर होना चाहिए ना, तो इसलिए मैं कॉर्नफ्लेक का क्रम डाल देता हूँ। नॉर्मली जो चूरा पैकेट के नीचे रह जाए वो डाल लीजिए, है ना। ब्रेड क्रम मिला दिया जी इसमें। ब्रेड क्रम मैंने यहाँ पर फ्रेश ब्रेड क्रम यूज़ किया है, आप चाहें तो ड्राई ब्रेड क्रम भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड क्रम अगर नहीं है तो रवा यूज़ कर सकते हैं, रवा नहीं है तो
पोहे को पीस के, जो चिवड़ा होता है ना उसको पीस के यूज़ कर सकते हैं। वो भी अगर नहीं है तो रस्क ले लीजिए, रस्क यूज़ कर लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो जो न्यूट्रल बिस्किट होता है ना, इसमें टेस्ट नहीं होता, उसका भी चूरा यूज़ कर सकते हैं आप, और इन सब का मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। सारे सोल्यूशन दे दिए मैंने आपको, और आप ये नहीं बोल सकते जी क्या रणवीर आपने बताया नहीं। अब कुछ नहीं, अब तो ये जो चिकन है इसको ऐसे डालना है बैटर में, अंडा वंडा लगा हुआ इसके ऊपर, बस कायदे से ऐसे एक डब्बे के अंदर इसको डाला जाता है और उस डब्बे को जोर जोर से हिला दिया जाता है, जो कोट हो गया रह गया रह गया। हम इसको ऐसे ही कर लेंगे, हम यहीं पे बना लेते हैं डब्बा। ये लीजिए, हेलो जी, अब करते हैं सेकंड क्रमिंग। कुछ नहीं, बस जो ब्रेड क्रम है उसको डाल दिया, ये हो गई झटपट वाली सेकंड क्रमिंग पंजाबी स्टाइल। अब इतना तो मैं सीख गया हूँ कि मैं स्कोर वर चेक नहीं करूँगा, स्कोर चेक करूँगा तो फिर साहब आ जाएंगे अंदर से, कोई पेनल्टी पड़ जाएगी, ये काम ख़त्म नहीं होगा, कुछ और भी बनाना पड़ जाएगा। बना टेस्टी है लेकिन ये पॉपकॉर्न, मिर्ची डालो ठोक के, बाद में फिर अपने क्रम के साथ कम हो जाएगी वो। क्रस्ट के अंदर और क्या डाल सकते हैं? क्रम के अंदर आप डाल सकते हैं ड्राइड, जैसे वो पिज्ज़ा के साथ में ऑरिगैनो आता है ना, वो डाल सकते हैं थोड़ा सा, फिर चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं क्रस्ट के अंदर, फिर और क्या डाल सकते हैं? पापड़ डाल सकते हैं, पापड़ रोस्ट करिए, रोस्ट करके क्रश करिए और पापड़ डाल दीजिए क्रश्ड, पापड़ का चूरा, ओए होए होए मज़ा आ जाएगा, कसम से मज़ा ना आए पैसा वापस, फुल सूद समेत। क्रिप्सी करारा बड़ा इंपॉर्टेंट है और अगर आपको और क्रिप्सी करारा करना है ना, तो जो कॉर्नस्टार्च आपने डाला है अंडे के साथ उसमें दो पैसा बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दीजिए, और क्रिप्सी करारा हो जाएगा और चिकन और नरम हो जाएगा। इसको मैं रख के आता हूँ और फिर प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए, अगर आप इसको 80% की स्टेज में भी निकाल लेंगे ना, अपनी गर्मी से अपने आप पक जाएगा, छोटे छोटे पीसेज है ना, तो एकदम ओवर कुक मत करें उसको तेल के अंदर ही। देखिए अभी भी जूसी है ना, छोटे पीसेज हैं, बहुत जल्दी ड्राई हो जाएंगे। याद रखिए चिकन पॉपकॉर्न बनाना है आपने, चिकन चमड़ा नहीं बनाना। अरे मैसेज किसका आया, 8443 अंदर से मैसेज क्यों भेज रहा है मेरे को? भैया स्कोर क्यों चेक कर रहे हैं? भाई तूने भेजा है मैसेज, मैं स्कोर चेक नहीं कर रहा हूं तेरे मैसेज, तू फंस गए, अब तो सजा मिलेगी। किस बात की सजा? जबरदस्ती मैसेज भेज के फिर इधर आएगा, फिर मेरे को बोलेगा सजा? देख ड्रामा मत कर, तू चाहता तो नहीं देख सकता ना मैसेज, फंस गया ना तो फिर सही है भैया। चल अब डिप बना दे, खेलो खेलो, उधर वो खेल रहे हैं इधर तुम खेलो। ठीक है बना देंगे। ये भी एक मैसेज और भेज रहा हूं तेरे को, हाँ मांगा भी तो क्या। डिप, भाई साहब डिप बोल के गए ना, तो डिप के लिए गई गार्लिक, ये ग्रीन चिली, ये धनिया, ऑलिव ऑयल या सैलेड ऑयल जो भी है वो डाल दीजिए। ब्यूटिफुल, ठीक है जी। अब दही ले लीजिए या मेयोनेज ले लीजिए, उसके अंदर ये डालिए, चीज़ डालिए, काली मिर्च डालिए और एक रैंच स्टाइल की ड्रेसिंग रेडी, सिंपल। गार्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर थोड़े चंक्स आते हैं तो अच्छी बात है, आने दीजिए, इट्स गॉट बी चंक। चीज़ को भी मोटा मोटा ग्रेट करना है एकदम चंकी, और ये गया मेयोनेज। क्रश्ड ब्लैक पेपर,
हेलो जी, ये हो गया पॉपकॉर्न, वो पॉपकॉर्न जिसमें कॉर्न नहीं लेकिन पॉप बहुत। मैं पानी पी के आता हूँ, उसके बाद अपना खेल का प्रोग्राम चालू। वाह रणवीर बरार, वाह भाई वाह। उधर है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट और इधर हमारा पॉपकॉर्न रेडी। ले गया भैया, मैं जाता हूँ वरना मैं जानता हूँ उसको ना पॉप रहेगा ना कॉर्न रहेगा, खाली के दो कप पड़े होंगे और कुछ नहीं है बस। आप बनाइएगा जरूर। है भैया खाना मत, अकेले अकेले।